नमस्कार, मैं हूं कवलजीत सिंह और आप देख रहे हैं के न्यूज। सबसे पहले नजर डाल लेते हैं अब तक की सुर्खियों पर। हेडलाइंस के प्रायोजक है रिफ्रेश मैट्रेस, एक ऐसा एहसास जो कर दे आपको रिफ्रेश। और मनमोहिक्स, जहां आपकी शॉपिंग को मिले नई पहचान। धूमधाम से मनाया गया पूरे हिमाचल प्रदेश में हिमाचल दिवस। वहीं मंडी में दिखी सीढ़ियां खाली, कुछ ही लोग पहुंच पाए शेरी मंच पर। पूरे हिमाचल में पिलाई गई 5 साल के बच्चों को जिंदगी की 2 बूंद, लोगों ने लिया बढ़ चढ़कर भाग। पालमपुर में वीरभद्र सिंह ने बीजेपी को दी नसीहत, ख्याली पुलाव बनाना छोड़ दे बीजेपी। मंडी शहर के सूड़ा मोहल्ले में नगर परिषद द्वारा पार्क का कार्य किया गया शुरू। पार्क में बच्चों की सुविधा के लिए टाइलें लगाने का कार्य प्रगति पर। और अब खबरें विस्तार से। 65वां हिमाचल दिवस प्रदेश भर में पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। 15 अप्रैल 1948 को 31 पहाड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था। इस अवसर पर राज्य एवं जिला स्तर पर समारोह आयोजित किए गए। ध्वजारोहण, मार्च पास्ट व सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन समारोह की मुख्य कड़ी रहा। राज्य स्तरीय समारोह बिलासपुर जिला के गांडीर में आयोजित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री जी का यहाँ की जनता से मेरा निवेदनों से अभिनंदन स्वागत करें। मेरा सभी से निवेदन रहेगा मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल ने ध्वजारोहण किया और पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी पुरुष व महिला वर्ग द्वारा प्रस्तुत भव्य मार्च पास्ट की सलामी भी ली। इस बार प्रदेश उप पुलिस अधीक्षक योगेश रोल्टा ने परेड का नेतृत्व किया। गत शासन काल में हमने प्रदेश में सड़क निर्माण को गति प्रदान की थी और उन क्षेत्रों में सड़कें पहुंचाई थी जहां लोगों को विश्वास भी नहीं था उनका क्षेत्र कभी सड़कों से जुड़ेगा। हमने शिमला के डोडरा द्वार, जिसे काला पानी के नाम से जाना जाता था, भी सड़क पहुंचाई है। ब्यास नदी पर 18 करोड़ रुपए की लागत से हर समस्तर का पुल का निर्माण किया है और लगभग इतनी ही लागत से कांगड़ा जिला के चंबा पतन को पुल से हाल ही में जोड़ा है। आपके अलीगढ़ तक पुल का भी कई बार चर्चाएं हुई, कई चुनावों से लड़े गए, उसको भी पहली बार निर्माण करके हमने ही बिलासपुर की जनता को समर्पित किया है। दूरिया पाटों के लिए सुरंगों का निर्माण किया जा रहा है, इनमें एक बंगाड़ा से चलेटा, दूसरी भुगू चौक और तीसरी होली से उतारा। अभी हाल ही में
स्वतंत्रता के बाद शिमला में प्रदेश में बनने वाली पहली सुरंग को लोगों के यातायात के लिए हमने समर्पित किया है। वहीं मंडी में भी हिमाचल दिवस को बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री सरवीण चौधरी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और लोगों को इस दिन का महत्व बताया कि किस तरह से हिमाचल के गठन के लिए संघर्ष करना पड़ा था। 15 अप्रैल 1948 को 30 छोटी बड़ी रियासतों के विलय से हिमाचल का गठन हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के महान सपूतों ने प्रदेश के गठन में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आज के दिन हम उनको कोटि-कोटि नमन करते हैं। हिमाचल के गौरवीय इतिहास में जहां धामी हत्याकांड, धामी गोलीकांड, सुकेत सत्याग्रह, कंजोटा गोलीकांड आदि का विशेष महत्व है। इसके अतिरिक्त प्रजामंडल के देश की आजादी के साथ साथ प्रदेश के गठन में अहम भूमिका निभाई। प्रजामंडल आंदोलन ने हिमाचल वासियों को एकजुट किया तथा इसी चरणारी ने आगे चलकर स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हिमाचल प्रदेश के अपने अस्तित्व में आने के बाद विकास के अलग अलग क्षेत्रों में अभूतपूर्व प्रगति की है, जिसके परिणाम स्वरूप आज प्रदेश को देश के पहाड़ी विकास का अग्रदूत और आदर्श माना जाता है। वर्ष 1948 में शून्य से अपनी यात्रा शुरू करते हुए हिमाचल प्रदेश आज न केवल पहाड़ी राज्यों में बल्कि देश के अन्य राज्यों के लिए भी एक आदर्श बनकर उभर रहा है। आज हिमाचल वासियों के लिए एक गौरवान्वित करने वाला दिन था, क्योंकि इसी दिन देश के एक और राज्य का गठन किया गया था और हिमाचल वासियों को हिमाचली होने का फक्र। इस दिवस को पूरे हिमाचल में धूमधाम से मनाया गया। मंडी में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करने पहुंची सरवीण चौधरी ने देश का तिरंगा लहराया और पुलिस जवान सहित 12 टुकड़ियों ने चौधरी को इस अवसर पर सलामी दी। एक और जहां इस दिन का हिमाचल के लोग बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं, वहीं मंडी के सेरी मंच पर कुछ और ही नजारा देखने को मिला। सेरी मंच पर हिमाचल दिवस की जहां धूम होनी चाहिए थी, वहीं सेरी मंच की सीढ़ियां खाली ही नजर आईं। इस दिवस का लुत्फ उठाने वाले कुछ ही लोग मौजूद रहे हिमाचल दिवस के मौके पर, जो अपने आप में ही कई सवालों को पैदा कर रहे थे। हिमाचल दिवस के उपलक्ष्य में स्कूली बच्चों द्वारा रंगारंग कार्यक्रम भी पेश किए गए। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। और अब बात करते हैं पल्स पोलियो अभियान की। पल्स पोलियो अभियान 2012 के दूसरे चरण में 15 अप्रैल को बच्चों को पल्स पोलियो खुराक पिलाई गई, जिसमें 5 वर्ष के बच्चों के माता पिता ने बूथ पर आकर जागरूकता का प्रदर्शन किया, जो कि वाकई काबिले तारीफ था। आपको बता दें कि इस बार पल्स पोलियो अभियान के मंडी जिला के 5 वर्ष की आयु वर्ग के लगभग 95,237 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है। इस बार पल्स पोलियो अभियान के दूसरे चरण में 15 अप्रैल को मंडी जिला के 0 से 5 आयु वर्ग के 95,237 बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जा रही है, ताकि इस अभियान को सफल बनाते हुए देश भर को पोलियो फ्री बनाया जा सके। जिला मंडी में इस अभियान के लिए 1103 बूथ व मंडी क्षेत्र में 14 बूथ स्थापित किए गए हैं। इस दौरान बाहरी राज्यों से आए बच्चों को भी पल्स पोलियो अभियान के तहत
पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। बूथ में अपने बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने आए लोगों ने कहा कि पल्स पोलियो अभियान में सभी लोगों को जागरूक होकर अपने 0 से 5 वर्ष के बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाना चाहिए ताकि एक भी बच्चा इस बीमारी से ग्रस्त न हो सके। पल्स पोलियो अभियान जो है वो बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जा रहा है, ये बहुत बढ़िया अभियान है और इसमें जो है यानी कि पोलियो मुक्त बच्चों को जो है बनाया जाएगा। लोगों से अपील रहेगी कि वो भी इसमें जागरूकता के साथ जो है बच्चों को पोलियो ड्रॉप्स पिलाएं और ताकि कोई भी बच्चा जो है इस वहीं महिला सुपरवाइजर गौरा देवी ने के चैनल से बात करते हुए कहा कि यह दवाई 0 से 5 वर्ष के बच्चों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके ना पिलाने से बच्चा ताऊ में खत्म हो सकता है। आज 15 अप्रैल है, दो बूंद जिंदगी की आपने तो सबने सुना ही है। आज 15 अप्रैल है और हम 0 से 5 साल के बच्चों को दवाई पिला रहे हैं। निश्चित तौर पर इस अभियान की सफलता आज सभी को गौरवान्वित कर रही है। दो बूंद जिंदगी की किस कदर महत्व रखती है आज कारगर सिद्ध हो रहा है। आज हर वर्ग विभाग के इस अभियान को सराह रहा है। उम्मीद की जा सकती है कि जिस तरह की जागरूकता आज लोगों में पोलियो को नष्ट करने के लिए आई है, आगे भी इसी तरह से पोलियो जैसी बीमारी को खत्म करने के लिए एक दूसरे को जागरूक करते रहेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के न्यूज में फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, बने रहिए हमारे साथ। रिफ्रेश ब्रांड का मैट्रेस अब आपके लिए। रिफ्रेश का फ्रेश फोम मैट्रेस आपके शरीर के प्रेशर पॉइंट को देता है बेहतर मसाज। ल्यूक्स रिबॉन्ड मैट्रेस आपके शरीर के कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट के लिए। स्प्रिंग जिंग मैट्रेस, जैसा कि इसका नाम ही बताता है, ये आपके वजन के मुताबिक देगा आपके शरीर को राहत। और कंप्रेस्ड कोयर और फोम निर्मित चैप मैट्रेस, ठोस व सुखद एहसास के लिए। तो आज ही अपने घर ले आइए इस एहसास को जो कर देगा आपको रिफ्रेश। रिफ्रेश लेकर आए हैं आपके लिए एक स्पेशल ऑफर। लाइए अपना कोई भी पुराना मैट्रेस और ले जाइए रिफ्रेश का नया मैट्रेस और हो जाइए रिफ्रेश। स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल में सत्र 2012-2013 के लिए जमा एक व जमा दो विज्ञान की कक्षाएं शुरू हो गई हैं। जैसा कि सभी जानते हैं, पूर्व में स्कूल के परीक्षा परिणाम अत्यंत संतोषजनक रहे हैं क्योंकि यहां उच्च शिक्षा प्राप्त व परिश्रमी प्राध्यापक कार्यरत हैं। बच्चों के उज्ज्वल भविष्य व बच्चों को सही शिक्षा स्तर उपलब्ध करवाने के लिए आज ही संपर्क करें। प्रिंसिपल स्वामी विवेकानंद सीनियर सेकेंडरी स्कूल, रामनगर, मंडी। आपके मंडी शहर में खुल गया है डेंटा केयर क्लिनिक, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल क्लिनिक, जिसमें आपको मिलेगा ऑर्थोडॉन्टिक्स यानी टेढ़े मेढ़े दांतों का इलाज। वर्ष भर 24 घंटे यहां उपलब्ध रहती हैं लिंगुअल ब्रेसेस, सेल्फ लाइगेटिंग, सेरेमिक ब्रेसेस, मेटल ब्रेसेस, ऑर्थोपेडिक ट्रीटमेंट, ऑर्थोग्नेटिक सर्जरी, क्लेफ्ट ऑर्थो जैसी आधुनिक सुविधाएं। ये सभी सुविधाएं डॉक्टर विशाल सेठ द्वारा दी जाएंगी, जो कि हिमाचल के एकमात्र IBO क्वालिफाइड विशेषज्ञ हैं। डॉक्टर विशाल हिमाचल डेंटल कॉलेज सुंदरनगर में भी सहायक प्रोफेसर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ विशेषज्ञों द्वारा इम्प्लांट्स, रूट कैनाल ट्रीटमेंट, दांतों की फिलिंग, क्राउन एंड ब्रिज वर्क, मसूड़ों का इलाज, बच्चों के दांतों का इलाज, नए दांत लगाना व ब्लीचिंग जैसी सुविधाएं बहुत ही कम खर्च पर दी जा रही हैं। यहाँ एम्स नई दिल्ली के भूतपूर्व विशेषज्ञ व हिमाचल प्रदेश डेंटल कॉलेज सुंदरनगर के प्रशिक्षित विशेषज्ञ भी अपनी सुविधाएं दे रहे हैं। डेंटा केयर क्लिनिक, केनरा बैंक के सामने, मंडी, हिमाचल प्रदेश।
मंडी शहर के सूडा मोहल्ले में नगर परिषद द्वारा पार्क का कार्य शुरू कर दिया गया है। पार्क में बच्चों की सुविधा के लिए टाइलें लगाने का कार्य भी प्रगति पर है। आपको बता दें कि इस पार्क का कार्य पिछले लंबे अरसे से ठप पड़ा हुआ था और लोग इस पार्क को सुचारू रूप से चलाने की मांग कर रहे थे। मंडी शहर में एक पार्क ऐसा भी है जो समस्याओं की बात जो हो रहा था। इस पार्क को लंबे समय से कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब इस पार्क का कार्य फिर से शुरू हो गया है। पार्क की मुरम्मत के वक्त लवन ठाकुर भी पार्क में मौजूद थे। लवन ने बताया कि इस पार्क का कार्य शुरू कर दिया गया है, जो कि उचित कदम बताया जा रहा है। लगनी बकाया है वहाँ पर भी दीवारें लगा दी जाए, ताकि लोग जो अतिक्रमण करना चाहते हैं पार्क के ऊपर वो ना हो, क्योंकि ये जो पार्क है ये बच्चों के लिए है, ये बच्चों की प्रॉपर्टी है और हमारे आने वाले बच्चों के लिए हमेशा एक खुली जगह चाहिए जहां वो शाम सवेरे खेल सकें और दौड़ सकें। तो ये चिल्ड्रन पार्क है और मंडी के अंदर इस तरह के बड़े भारी कम पार्क्स हैं, तो इस बात को लेकर हमने कहा और हमने साथ में एक सीवरेज की जो पाइपलाइन इसमें बिछा दी है और 3 चैम्बर इस छोटे से पार्क में उन्होंने पैदा कर दिए हैं, जो कि IPH की नालायकी की वजह से उन्होंने कर दिया है। उनको ये समझना चाहिए था IPH वालों को कि पार्क के अंदर चैम्बर नहीं होने चाहिए थे, इनको भी यहाँ से रिमूव कर दिया जाए और इन पोलों को भी साइड पे निकाला जाए, क्योंकि इन पोलों से भी बिजली का जो है खतरा रहेगा बच्चों को, क्योंकि बच्चे जो हैं पोल के साथ झूलते हैं। वहीं नगर परिषद अधिकारी उर्वशी वालिया ने बताया कि पार्क में टाइलों को लगाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, बहुत जल्द इस पार्क को बच्चों के लिए समर्पित कर दिया जाएगा। जो जिस पार्क में अभी हमने यहाँ पे दौरा किया उसमें जैसे कि 2 फेजेस में ये काम हमने लिया था, तो ये हमने हमारी UIDSMT स्कीम के अंदर किया था। तो एक फेज का काम पहले जो था वो हो चुका था, जिसमें जो आपकी रेलिंग और ये नालियाँ और जैसे ये हमने ग्रीनरी के लिए यहाँ पे बना के रखा है, इसका काम किया था। नेक्स्ट काम हमारा था जो रास्ते का पेवर वगैरह का कार्य था वो कर रहे हैं, और यहाँ पे ग्रीनरी वगैरह लगवाई जाएगी, फूलों वगैरह से फूल वगैरह लगाए जाएंगे बरसात के समय में। और जहाँ जहाँ पर भी मुझे यहाँ पे आके कोई समस्या दिखाई दी है वो मैंने निर्देश दे दिए हैं अपने कनिष्ठ अभियंता को कि वो इसको भी पूरा करें, लोगों को मोहल्ले वाले लोगों को की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए इसका जीर्णोद्धार किया जाएगा। उम्मीद की जा सकती है कि जो कार्य नगर परिषद द्वारा पार्क में किया जा रहा है वह बहुत जल्द पूरा कर दिया जाएगा और नगर परिषद शहर की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए भी प्रत्यक प्रयास करेगा। के चैनल के लिए कैमरामैन विजय के साथ परी शर्मा की रिपोर्ट। और अब खबर में रुक करते हैं पालमपुर का। जैसे जैसे विधानसभा चुनाव की घड़ियां नजदीक आती जा रही हैं, वैसे वैसे दोनों पार्टियों के दिग्गज लोगों से संपर्क साधने में मशगूल हो गए हैं। नेताओं के तूफानी दौरों का समय शुरू हो गया है और सातवें दौर शुरू हो गया है एक दूसरे की पोल खोलने का। फिर चाहे कांग्रेस पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी, दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर आरोप जड़ने में जुट गई हैं। ऐसा ही मंजर देखने को मिला पालमपुर में केंद्रीय मंत्री की एक रैली में। केंद्रीय मंत्री वीरभद्र सिंह ने लोगों से संपर्क साधने का अभियान शुरू कर दिया है। पहले बैजनाथ में रैली का आयोजन किया गया और उसके बाद पालमपुर की जनता से। पालमपुर में वीरभद्र सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए बीजेपी को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि बीजेपी क्षेत्रवाद और जातिवाद की राजनीति करती है, क्योंकि बीजेपी के पास चुनाव में जीत के लायक कोई भी मुद्दा नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास एक ही एक वो है क्षेत्रवाद और जातिवाद। क्षेत्रवाद और जातिवाद उनका एक मजबूत हथियार है। जब सब कुछ हार जाता है तो वो बाद में क्षेत्रवाद और जातिवाद के ऊपर उतर जाते हैं। मैं तो उनके साथ एक नहीं अनेकों चुनाव, चाहे चाहे किसी और चीज से शुरू हो, अंत से वहीं पहुंच जाते हैं। इतना ही नहीं, वीरभद्र ने चुटकी लेते हुए यह भी कहा कि बीजेपी जीत को लेकर ख्याली पुलाव बनाना बंद करें। अरे भाई, इनको कुर्सी की जल्दी है, पहले जीत के तो आओ, पहले पार्टी को दिखाओ, पहले पार्टी को स्टाफ बुलाओ कि सरकार बना सके, उसके बाद जो बनना हो बन जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अभी ख्याली पुलाव से कुछ नहीं होता। आज कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाना है,
हमको जनसंपर्क करना है, जगह जगह पर में जाना है। वहीं केंद्रीय मंत्री ने यह भी साफ किया कि उनका लक्ष्य इस वक्त सीएम बनना नहीं है, बल्कि पार्टी को मजबूती देकर जीत हासिल करना है और लोगों से संपर्क में जाना है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लोकप्रियता आज भी वैसी ही है जैसी कि पहले थी। यदि वीरभद्र सिंह कोई मीटिंग कर रहा है या कोई रैली कर रहे हैं या कोई अन्य जनता के बीच में जा रहे हैं, वो अपने को मुख्यमंत्री बनाने के लिए नहीं, नेता खुद गर्व नहीं, मैं तो सिर्फ पार्टी को मजबूत करने के लिए। आज पार्टी के जो पार्टी के संबंध है हिमाचल की जनता से, उन संबंधों को और मजबूत बनाने के। वीरभद्र सिंह की रैली में लोगों का भी जमावड़ा खासा देखने को मिला। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखा गया। के चैनल के लिए पालमपुर से दीपक राणा की रिपोर्ट। और अब एक बार फिर वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, देखते रहिए के न्यूज। प्रिंट इंडस्ट्री में हिमाचल के बढ़ते कदम, डोमिनेट ऑफसेट मशीन एंड फुल कलर फ्लेक्स प्रिंटिंग एंड डिजिटल प्रिंटिंग फैसिलिटी अब मंडी में भी उपलब्ध है। अब मंडी होगी कलरफुल, ऑल प्रिंटिंग फैसिलिटी अंडर वन रूफ। विभिन्न प्रकार की रंगीन प्रिंटिंग के लिए चंडीगढ़ या दिल्ली जाने की जरूरत नहीं। पिछले 15 वर्षों से कार्यरत ISO 9001:2008 सर्टिफाइड एकमात्र प्रिंट यूनिट नारायण आर्ट प्रिंटर्स दे रहे हैं आपको ये सुविधा आपके अपने शहर में। अपनी हर प्रकार की प्रिंटिंग जॉब लाएं नारायण आर्ट प्रिंटर्स में और अपने समय और पैसे की बचत करें। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें नारायण आर्ट प्रिंटर्स, 284/3 जेल रोड, मंडी, हिमाचल प्रदेश। साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर कनाड सुंदरनगर इज नाउ एसोसिएटेड विद बांगा हॉस्पिटल्स प्राइवेट लिमिटेड। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध है बेहतरीन डॉक्टर्स की एक पूरी टीम। डॉक्टर एम ए बासित, हड्डी रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर रिचा बासित, बाल एवं शिशु रोग विशेषज्ञ। डॉक्टर अनिल बजाज, मेडिकल स्पेशलिस्ट। डॉक्टर सीजो जोन, शल्य एवं दूरबीन विधि द्वारा ऑपरेशन के विशेषज्ञ। साई वैली हॉस्पिटल में उपलब्ध सुविधाओं की बात करें तो यहाँ उपलब्ध हैं ऑपरेशन थिएटर विद CR, यहाँ होते हैं रीढ़ की हड्डी व जोड़ों के ऑपरेशन व दूरबीन द्वारा पित्ते की पथरी के ऑपरेशन, TMT, ICU, मेजर एंड माइनर ऑपरेशन थिएटर, लेबर रूम, जनरल एंड प्राइवेट रूम्स। फॉर मोर डिटेल्स प्लीज कॉन्टेक्ट साई वैली हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, कनाड सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। आईसेक्ट नॉलेज ओलंपियाड प्रतियोगिता देशभर में स्थित प्रत्येक आईसेक्ट केंद्र पर आयोजित की जा रही है, जिसमें नॉलेज ओलंपियाड के लिए प्रतियोगी छात्र का पंजीयन किसी भी आईसेक्ट केंद्र पर किया जा सकता है। 15 अप्रैल को यह एग्जाम CT&T स्टडी सेंटर मंडी में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में प्रतिभागियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। CT&T स्टडी सेंटर के डायरेक्टर सीमा शर्मा ने के चैनल से बातचीत के दौरान कहा कि इस प्रतियोगिता में 25 लाख रुपए तक के पुरस्कार वितरित किए जाएंगे, जिसके अंतर्गत आईपॉड, आईपैड, मोबाइल, लैपटॉप और अन्य कई इनामों के साथ साथ आईसेक्ट यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप भी छात्र जीत सकेंगे। सीमा ने बताया कि नॉलेज ओलंपियाड में भाग लेने वाले प्रत्येक प्रतिभागी को यूनिवर्सिटी की ओर से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे, जो कि भविष्य के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकते हैं। मेरे यहाँ पे आज सिटी जो आईसेक अपनी तरफ से यूनिवर्सिटी की तरफ से नॉलेज ओलंपियाड का टेस्ट चल रहा है, जिसमें जनरल हमारे इंस्टीट्यूशन के बच्चे हैं वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और जाते 6 to onwards जैसे जनरल स्टूडेंट्स हैं इधर उधर से हमने इकट्ठे करके उनके एग्जाम हमारे यहाँ पे हो रहे हैं। इसमें यूनिवर्सिटी ने अपनी तरफ से 25 लाइक्स के प्राइजेस रखे हुए हैं, जिसमें कि हमारे लैपटॉप से लेकर नोटपैड है और डिफरेंट भी अदर भी हमारे पास यहाँ पे हैं प्राइजेस जो यूनिवर्सिटी खुद स्टूडेंट को देगी। गौरतलब है कि जिस तरह की प्रतियोगिता का आयोजन आईसेक्ट नॉलेज का किया जा रहा है, इस तरह की प्रतियोगिता भविष्य में भी होती रहनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। के न्यूज में फिलहाल इतना ही, कमलजीत सिंह को दीजिए इजाजत, नमस्कार।